हेलो फ्रेंड्स, आज हम काला चना के स्प्राउट्स का सब्जी का रेसिपी शेयर करेंगे। चलिए, इस प्रकार का चना, टमाटर, प्याज, मिर्चा, नमक, हल्दी डाल के प्रेशर लगा देते हैं कुकर में। यहाँ जितना चना डूब जाए उतना पानी डाल देंगे। कुकर बंद करके अब चढ़ा देते हैं गैस पे। अच्छा, ना गलने तक सीटी लगा लेते हैं। यहाँ पीस लेते हैं लहसुन, जीरा और गोलकी। कुकर का ढक्कन खोल के सारा ले लेंगे। टमाटर ले लेंगे, प्याज डाले थे सो ले लेंगे, और जिसमें जीरा बोल के और लहसुन पीसे थे उसी में पीस लेंगे हम ये सब को भी। पीस लेते हैं इसको। अब यहाँ कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। यहाँ सारा गोटा मसाला दे देते हैं, खड़ा मसाला। यहाँ सारे मसाला डाल देते हैं, डाल दिए फ्रेंड्स। और एक कटा हुआ आलू भी डाल दिए हैं इसमें। अब यहाँ चना डाल देंगे। मसाला भुंजा गया है। अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फिर इसको कुकर में डाल देते हैं फ्रेंड्स, ताकि आलू मसाला वगैरह सब अच्छा से पक जाए। आलू को पहले प्रेशर कुकर में नहीं डाले थे, इसलिए कि ज़्यादा गल जाता फ्रेंड्स। यहाँ पे डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा गलाना नहीं है आलू को। अब यहाँ एक सीटी आने तक करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे गैस को। और देखिए बन गया। यहाँ डाल देंगे गरम मसाला। बस गरम मसाला डाल लेंगे हम फ्रेंड्स। आपके पास चना मसाला तो भी डाल सकते हैं। चलिए प्लेटिंग करते हैं इसको। देखिए बन के कुछ इस तरह सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।